अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे कि आप थाली में देख सकते हैं कि हमने लिए हैं 1 बाउल कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, बीन्स, प्याज की पत्ती और लहसुन और थोड़ी सी अदरक। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रहे हैं। तो आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा हमारे डिलीशियस रेसिपीज़, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो आप देख सकते हैं हम चिकन लिए हैं एक बाउल में, बॉईल करके रखे हुए थे, और लिए हैं एक बाउल में सोया सॉस, और हमने खाना भी पका के रख लिए हैं। कितने अच्छे से पक गया हमारा राइस। और हम चलिए शुरू करते हैं हमारे फ्राइड राइस की तैयारी। तो हम लिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल में हम डाल रहे हैं लहसुन, फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है फ्राइड राइस की बहुत डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी रेसिपी है। और हमने डाला है चिकन जो बॉईल करके रखे हुए थे, वही चिकन हमने इसमें डाल दिए हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं कैरेट, कैप्सिकम, हम इसमें डाल रहे हैं अभी कैप्सिकम। अब हम इसमें डाल रहे हैं कैबेज और बीन्स, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने कैरेट थोड़ा कम लिए हैं, क्योंकि अगर कैरेट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर फ्राइड राइस बहुत मीठा हो जाएगा, तो इसलिए हमने थोड़ा कैरेट कम कर लिए थे। और हम अंडे की तैयारी कर रहे हैं, हम अंडा फेंक के जो है पका के ऐसा जो है बना के हम उसमें फ्राइड राइस में डाल देंगे। देखिए हमने इसमें डाल दिए और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। और हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। हम 1 कप सोया सॉस लिए थे तो हमने डाला है 1/2 कप सोया सॉस, और जो है हम डाल रहे हैं पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालें सॉल्ट।
टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्ट डाला है फ्रेंड्स। हमें थोड़ा नमक कम लग रहा था तो फिर हम और थोड़ा डाल लिए थे। देखिए फ्रेंड्स, और हम डाल रहे हैं अभी प्याज की पत्ती। कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है माशाल्लाह। आप भी अपने घरों में बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी लग रहा है। मेरे मुंह में से पानी आ रहा है, कितना यमी लग रहा है। आप चेक कीजिएगा कि बीच में कि आपका कैरेट गल गया है, तो फिर आप डालें थोड़ा सा नमक। हमने थोड़ा सा नमक डाला है। अब ज़रूर टेस्ट कीजिएगा कि आपका जो है कैरेट गल गया है क्या, तो फिर आप डालें। जब आपका कैरेट गल गया हो तब आप डाल दीजिए आपका राइस। तब सारे जो इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स हमने जो भी डाले हैं अच्छे से वो गल गए हैं, नरम हो गए हैं, तो आप डाल दीजिएगा अपना राइस। डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी हम वेजिटेबल्स डाले हैं, पेपर, सॉल्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए। अंडा, चिकन जो भी हम सब कुछ डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार, और इसका टेक्सचर भी कितना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम ऊपर से डाल रहे हैं और थोड़ा सा पेपर। और हम डाल रहे हैं सोया सॉस। और इसको अच्छे से आप चलाना है, बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि वो सोया सॉस और ब्लैक पेपर जो भी हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सॉल्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि हमारा फ्राइड राइस बहुत अच्छे से पक जाए और यम्मी बन जाए। फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा फ्रेंड्स। छोटे बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। मुसलमान जिधर भी रह रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के ऊपर रहमत बरसाए, आमीन। और आप भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप दूसरों को दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं और आपके दरवाज़े पर हर हमेशा जो है खुशियों की दस्तक बनाए रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दें। आप ज़रूर हमारे साथ आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो, और घरों में भी ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्राइड राइस किस तरह अच्छे से पक गया है। तो और हम थोड़ा अच्छे से चला रहे हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अच्छे से पक भी जाए। इंशाल्लाह हमारी रेसिपी जो है आपको यूज़फुल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी यूज़फुल रही होगी इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आप जब पकाए तो आपका राइस फ्राइड राइस कैसा पका, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हम इधर सॉस तैयार कर रहे हैं जो कि फ्राइड राइस के साथ खाया जाता है। इसमें डाले हैं हम सॉस और काली मिर्च, और हम इसको मिक्स कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें फ्रेंड्स, सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और चलें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।